हेलो गाइस, क्या हाल है यार। और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम चौका होने वाली है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम लोग विलेज पे लैंड किए थे और उतरते यहाँ पे दो बंदे उतरे थे। तो अब जल्दी जल्दी से इनको मारते हैं और विलेज को खाली करके बंदों के पास चल देते हैं मारने के लिए। क्योंकि भाई यार, पिछला कल का जो मैच था उसमें भाई चिकन डिनर तो हो नहीं पाया, लेकिन आज पूरी कोशिश करेंगे चिकन डिनर करने के लिए। तो चलो देखो आज कितना मज़ा आता है। गाइस, मुझे तो लगा था विलेज पे बंदे हैं, लेकिन ये सब बॉट ही निकले। तो बस इनको ख़त्म करने के बाद अब हम लोग जल्दी से विलेज को जो भी बचा हुआ है वो खाली करते हैं और चलेंगे बंदे मारने के लिए। और यहाँ पर देखना कि एक लालच बुरी बला होती है, एकदम परफेक्ट एग्जांपल उसका। सो गाइस, यहाँ पर मुझे क्रॉसबो मिल जाती है विलेज में। तो अभी मतलब मैं लाइफ में पहली बार यार क्रॉसबो चला रहा हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, बॉट यहाँ पे फायरिंग कर रहे थे, तो मैं सोचता हूँ कि पहले बॉट के ऊपर ही ट्राई करते हैं कि क्रॉसबो मतलब कितनी अच्छी गन है या फिर कैसी गन है। और यहाँ पर भाई अभी देखना कि लालच बुरी बला का एक परफेक्ट एग्जाम्पल, मतलब बॉट समझ के बंदा आएगा और उसको हम लोग पेल देंगे कायदे से। तो गाइस, यहाँ पर मुझे पहले तो ये लगता है कि बॉट है, लेकिन उसके बाद जब मैं जूम करके देखता हूँ तो मतलब उसके कपड़े देखकर लग जाता है कि ये बंदा है। तो अब देखो इसको कैसे मारते हैं, और ये बंदा मुझे बॉट समझेगा भाई। एनिमी डाउन। तो गाइस, यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि वाकई में लालच एक बुरी बला है। मतलब वो बंदा मेरे को देखने के बाद भी वो ठुक 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 कारिल चला रहा था और मैंने यूजी से उसे मार दिया। और अब यहाँ पर ये बॉट मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तभी मैं सोचता हूँ कि लाओ इसको क्रॉसबो से मार के देखते हैं। और भाई देखो कितना डैमेज दे रहा भाई बॉट, देखो कितना डैमेज दे रहा है यार। लेकिन मज़ा आ जाता भाई क्रॉसबो चला के। एनिमी डाउन। तो गाइस, यहाँ पर मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर क्रॉसबो ले रहे हो तो भाई क्लोज रेंज में अगर स्नाइपिंग करनी हो तभी क्रॉसबो लो, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है इसका। मतलब दूर तक ये जो इसकी मतलब जो इसका तीर है वो जाता ही नहीं है। तो अच्छी गन है लेकिन कुछ हद तक। और यहाँ पे अब जल्दी से लूटते हैं और चलते हैं बंदों की तरफ, क्योंकि भाई अब आगे गेम में देखो कितना मज़ा आएगा। और भाई इस मैच में चिकन डिनर चाहिए, ये तो पक्का है एकदम 100%। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं ड्रॉप की तरफ। और यार बग्गी के साथ एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा होती है, क्योंकि ये बग्गी जो होती है बहुत ज़्यादा स्क्लिट बहुत ज़्यादा करती है, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या होगा। और इसी की वजह से मतलब हम लोग बाल बाल मरते मरते बचते हैं। तो अब देखो कितना मज़ा आएगा इस गेम में। और अभी हम लोग जो लोग चल रहे हैं ड्रॉप की तरफ, और देखो आगे देखो बस। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग डेल्टा से होते हुए ड्रॉप की तरफ जा रहे होते हैं, और यहाँ मैं नोटिस करता हूँ भाई पूरे डेल्टा में कोई बंदा ही नहीं है। मतलब क्या ही बताएं कैसी जगह हो गई है डेल्टा, गाड़ी वैसे की वैसी खड़ी है और कोई बंदा इधर उधर है ही नहीं। और मतलब हटाओ यार, लेकिन जो भी है डेल्टा में लूट भाई बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप पबजी लाइट खेलते हो तो डेल्टा ज़रूर आया करो। तो गाइस, ना यहाँ पे ड्रॉप पे लूट मिलती है और ना ही यहाँ पे बंदा मिलता है, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पर आने का। और तो हम लोग यहीं पर अब बंदे ढूंढने के लिए यहाँ से निकलते हैं, और अब देखा ना कितना मज़ा आएगा। और यहाँ पे ये जो ड्रॉप लूटा हुआ बंदा आगे भागा है उसी को हम लोग धर दबोचेंगे भाई, देखो कितना मज़ा आएगा भाई। तो गाइस, अगर कोई बंदा नॉक होता है तो वो अपनी टीममेट की तरफ भागता है, लेकिन इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बस ये नॉक हुआ और उधर ही पड़ा रहा। और भाई इसके पास से मुझे मिल जाती है MK14, और अब देखो कितना मज़ा आएगा। मतलब एकदम डेडली वाली गन मिल गई है मेरे को, और अब यहाँ पे गेम में एकदम तबाही मचा देंगे हम लोग। और जो इसका बंदा जो अभी बचा हुआ है उसको भी हम ही लोग मारेंगे, तो देखो कितना मज़ा आएगा आगे। सो गाइस, मैं हेल्थ लगाता हूँ और गाड़ी उठाता हूँ और चल देते हैं बंदे ढूंढने के लिए यहाँ पे हम लोग, क्योंकि अब भाई MK14 है हाथ में तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो कितना मज़ा आएगा अभी गेम में। तो अब हम लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि गाड़ी चलो बदल लेते हैं, क्योंकि भाई बग्गी है और बग्गी पे ज़्यादा गोलियाँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो बंदे हैं अगर, तो एक एक मैगजीन अपनी खाली कर देंगे और बग्गी थक जाएगी। तो हम लोग सोचते हैं पहले गाड़ी बदल लेते हैं, क्योंकि यू नो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखो कितना मज़ा आएगा गेम में।
तो भाई जब यहाँ पे गोलियाँ चलने की आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हम लोग तुरंत उनकी तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर वो बंदे खुद ही आ जाते हैं। तो अब देखो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे से एक गलती हो जाती है, वो गलती क्या है वीडियो देखो आगे तुम। कसम से यार, अगर MK14 सिंगल पे ना होती तो मैं इनको पहले ही ख़त्म कर देता, लेकिन यही मेरी गलती थी कि वो सिंगल पे थी और मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं उतरा गाड़ी से और मैंने मतलब ट्रिगर दबाया तो उसमें ठक की आवाज़ आई और मेरी लग गई। मैंने सोचा कि ओ भाई अब क्या होगा, लेकिन खैर हम लोगों ने मैनेज कर लिया। और अब जल्दी से इनको लूटते हैं और बंदे मारने की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने मिशन में, क्योंकि आज हमारा मिशन है मिशन चिकन डिनर। जी लाइट में यार बहुत सारे बॉट होते हैं तो यहाँ पे भी बॉट हमें परेशान कर रहा था। अब जल्दी से इसको मारते हैं और बंदे ढूंढते हैं और उनको मारते हैं। गाइस यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि ये बग्गी ब्लास्ट ना हो जाए यहाँ से, लेकिन खैर हम लोग बच जाते हैं एकदम सॉफ्टली। हमारी बग्गी लैंड करती है और अब हम लोग बंदे मारने की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ड्रॉप पे देखना भाई कितना ज़्यादा मज़ा आएगा यार। हम जाते हैं बंदे मारने और क्या ही बताएं क्या हो जाता है हमारे साथ। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं सोचता हूँ कि वो जो सामने मेरे बंदा आया होता है मैं उसे मार रहा हूँ, लेकिन मेरा एम कहीं और ही होता है और तीसरी तरफ मेरे बंदे को कोई दूसरा बंदा नॉक कर देता है। लेकिन फाइनली मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। और अब यहाँ पर देखना कितने ज़्यादा नेड मारेंगे हम, क्योंकि भाई एक मैच में कम से कम हमारा एक किल तो नेड से हो ही जाए। तो अब देखो कितना मज़ा आने वाला है यार। Enemy down. गाइस जब तक मेरा तीसरा नेट फटता फटता तब तक वो बंदा ही फट चुका था। और यहाँ पर भाई मतलब क्या ही बताएं यार, इतने ज़्यादा बम डाल देते हैं तो बंदा परेशान हो जाएगा कि बम 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 खाओ से हो गए इतने ज़्यादा बम। तो अब देखो कितना मज़ा आएगा, यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस यहाँ पर एक M4 का गंदा स्प्रे और एक बंदा नॉक हो गया एकदम आसानी से, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब बारी है इन दोनों बंदों को एक साथ ख़त्म करने की। तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब एक्शन देखो भाई हमारे गेम प्ले में। एनिमी डाउन। यार सच में यहाँ पे मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे टीममेट ने यहाँ पे नेट किया है, और अगर गलती से मैं पहले आ जाता तो मेरी तो मैं तो ख़त्म ही हो जाता यार, लग जाती। सो खैर अब यहाँ पे मैं बच चुका हूँ और अब ज़्यादा बंदे बचे नहीं हैं, बस दो बंदे और बचे हैं। तो अब देखो उनको कितने बुरी तरीके से मारेंगे भाई। तो गाइज यहाँ पर हम लोग गाड़ी उठाते हैं और प्ले जोन की तरफ आ ही रहे होते हैं कि हमें किल फील्ड में दिखाई देता है कि एक बंदा प्ले जोन से ही मर गया है। तो बस अब एक बंदा बचा है और उसको देखो कितने मतलब खतरनाक तरीके से मारेंगे वो भाई। बंदा बचने की बहुत कोशिशें करता है कसम से, स्मोक करता है, नेट करता है, लेकिन अब भाई हम हंटर लायंस हैं यार, हमसे बचोगे भला। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग गाड़ी लेके घूम ही रहे होते हैं कि बंदा मतलब नेट कर देता है और हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई शॉटगन से मारेंगे, ऐसे वैसे गन से नहीं मारेंगे शॉटगन से मारेंगे। तो अब देखो सो गाइस यहाँ पर जैसे ही मैं स्मोक देता हूँ मैं समझ जाता हूँ कि बंदा अब जोन में आने के लिए तड़प रहा है। तो यहाँ पे मैं उतरता हूँ, मेरा टीममेट भी उतर जाता है, हम लोग दो तरफ से पुश करने वाले होते हैं इसकी तरफ। और अब देखो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा यार। ओफो भाई साहब देखो कितना मज़ा आता है यार, मतलब क्या ही बताएं, इस बंदे ने सोचा नहीं होगा वैसी मौत मिलती है इसको। हम मतलब वो सोचता है कि यहाँ पे मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे स्मोक में गोलियाँ चलाता हूँ ताकि वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और डर जाए। तो अब देखो कितना मज़ा आता है भाई यहाँ पे।
सो गाइज यहाँ पर MK-14 की आवाज़ सुनने के बाद वो भी ऑटो पे वो बंदा एकदम डर जाता है और पीछे जाके हम पर नेड करने लगता है। और मैं यहाँ पर अपने टीममेट से ये बोलता हूँ कि भाई तुम दूसरी तरफ से जाओ, मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूँ, अगर बंदा आएगा तो बस ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एक ही बंदा है यार। और अब देखो भाई, मतलब पता ही नहीं चलेगा और मैच यूँ ख़त्म हो जाएगा चुटकी बजाते ही भाई। और मैं गाड़ी उठाता हूँ और मैं ऐसे ही घूमने लगता हूँ और घूमते 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 बस Enemy down. गाइज यहाँ पर घूमते घूमते ही गाड़ी से चिकन डिनर हो गया और पता भी नहीं चला। और मतलब क्या ही बताएं यार, क्या मैच था आज का, मज़ा आ गया यार। सो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और यार ये वीडियो की क्वालिटी कैसी है ज़रा कमेंट में बता देना, ठीक है।